प्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय श्री भगवती शर्मा की स्मृति को समर्पित। एक शस्त्र हो न साथ एक अस्त्र हो न अन्न नीर वस्त्र हो डटो नहीं डटो वही बड़े चलो बड़े चलो घटा गिरी अटूट हो अधर्म काल कूट हो अमृत का वही कूट हो ये चलो मरे चलो बड़े चलो बड़े चलो गगन उगलता आग हो छिड़ा मरण का राग हो लहू का अपने भाग हो बड़ो वही गड़ो वही बड़े चलो बड़े चलो अशेष रक्त तोल दो स्वतंत्रता का मोल दो कड़ी युगों की खोल दो डरो नहीं मरो वही बड़े चलो 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 अरे हुजिया और हुजिया अरे फिरंगी आई है मेजर ईश्वरी पर्षा तुम्हारे स्टंटिया मामा हालवत ब्लडी हमारा काशा मामा तुम्हारे स्टंटिया ने हमारा जीना हराम कर दिया है कैसे कैसे पकड़ेगा हम इस ब्लडी टंटिया को सर सर प्रेसिडेंट सर प्लीज हमको एक मौका और दो हम कुछ गांव वालों को और पैसा देगा फिर देखना वो लोग हमें पक्की खबर देगा और इस बार ऐसा जाल बिछाएगा कि ये टंटिया मामा टू हेल विद मेरा कैसा मामा ये टंटिया खंडवा जेल में ही दिखेगा चलिए ये कहानी है एक ऐसे आदिवासी नायक की जिसने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के बीच जन चेतना जागृत की। मालवा और निमाड़ के ठेठ जनजातीय इलाकों में आजादी की लहर पैदा की, पराधीनता की बेड़ियों को काटने की हिम्मत की और हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। आजादी का परचम लहराने वाला वो नायक था टंट्या भील। जिसे आज भी मालवा और निमाड़ के लोग टंट्या मामा कहते हैं और देवता की तरह पूजते हैं। अंग्रेज हुकूमत के लिए सिरदर्द बने टंट्या और उसके दोस्त डौलिया को जैसे तैसे पकड़ते हैं अंग्रेज सिपाही और खंडवा जेल में बंद कर देते हैं। डौलिया, वो सिपाही इसी कोठरी में आ रहा है, तैयार रहना। हाँ हाँ टंट्या, मैं तैयार हूं। सुनो 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 25,000 रुपए इनाम। देहातों में लूट खसोट आगजनी और मारपीट करने वाला डाकू टंट्या भील खंडवा जेल से फरार हो गया है। उसे पकड़ने वाले को या उसका पता बताने वाले को इंदौर दरबार 20,000 रुपए और अंग्रेज हुकूमत 25,000 रुपए इनाम देगी। सुनो सुनो सुनो। जल्दी 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 टंट्या, तुम्हारे पीछे वो मेजर लगा है। अरे चसोदा, जिसे तेरे जैसी लुगाई मिले ना
उसे मौत भी नहीं हरा सकती। अरे फिरंगी की औलाद, तुझे अपनी जान प्यारी है या नहीं, जरा देख पीछे। अरे मेजर ईश्वरी प्रसाद, तुझसे कितनी बार कहा है, ईश्वर का प्रसाद होकर फिरंगी का साथ देता है, अब भी समझा, हमारे साथ आ जा, नहीं तो हमारी भारत माता तुझे गद्दारी का ऐसा प्रसाद देगी कि तू सारी जिंदगी रोता रह जाएगा, समझा? लो टंटिया, पकड़ लाए हम इस गद्दार हिम्मत पटेल को। क्यों रे पटेल, रेज तेरे क्या भाई बंद है जो तू झूठी गवाही देकर मुझे पकड़वाना चाहता था, हैं? अच्छा तो तुझे हंसी आ रही है, हैं? तो लिया, फिरंगियों के इस दोस्त को गोली मार दो और इसकी हवेली लूट कर सारा रुपया पैसा अनाज और कपड़े गरीबों में बांट दो। ध्यान रहे, औरत और बच्चों को कोई हाथ ना लगाए, समझे? टंट्या को अंग्रेज यूं ही रॉबिनहुड नहीं कहते थे। टंट्या जहां अंग्रेजों के मुखबिरों को सजा दे रहा था, वहीं भोले भाले आदिवासियों और उनके परिवारों के भरण पोषण और उनकी रक्षा का जिम्मा भी उठा रहा था। अरे मोटू देख, वो जेलर और नायक इधर ही आ रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम इनको पकड़ लेते हैं, टंटिया भी आता ही होगा। जाएगा कहाँ तू? अच्छा तो तू है नकली अंग्रेज। अरे तेरी टोपी पहनकर ही तो धोलिया जेल से भागा था। आ धोलिया, आ मेरे जिगरी दोस्त, मेरे शेर, आ। धोलिया, लगता है मेजर ईश्वरी प्रसाद और रेजी डेन गिरफिन अपने सिपाहियों के साथ आ रहे हैं। दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मालवा के पठार से लेकर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के गांव में और खंडवा से लेकर झाबुआ निमाड़ तक जितने अंग्रेज रेजिडेंट थे, उनका एक ही लक्ष्य था, टंट्या को पकड़ना। और टंट्या था कि अपनी बहादुरी के दम पर, अपने साथियों की ताकत पर और खबरें भेजने के अपने जोरदार नेटवर्क के चलते अंग्रेजों को नाकों चने चबवा रहा था। मालवा निमाड़ के ग्रामीण अंचलों में बगावत की आग जोर पकड़ रही थी। लेकिन एक दिन रेजिडेंट ग्रिफिन को पता चलता है कि टंट्या और उसकी पत्नी जसोदा खंडवा जा रहे हैं अपने भांजे से मिलने और कुछ हथियार खरीदने। सर, ये टंट्या का भांजा अच्छा पकड़ में आ गया। इसकी जेब में ये चिट्ठी कैसी? जल्दी पढ़ो, क्या क्या लिखा है इसमें? सर, लिखा है, टंटिया मामा, कल शाम पिताजी खंडवा जा रहे हैं और मुझे मालूम है आप भी वहां आ रहे हो, मेरे लिए मिठाई और खिलौने जरूर लाना। टंटिया, अब तेरा होगा
बंटा था और हमें मिलेगा वो क्या बोलता है पुरस्कार। टंटिया मुझे लगता है अब शायद अंग्रेज हुकूमत तुम्हारे खिलाफ कोई भयानक जाल बिछाने वाली है। बोलिया डर डर के 100 दिन जीने से तो अच्छा है, शेर की तरह 10 दिन जिए। हम जिएंगे तो आजाद और मरेंगे तो आजाद। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो। डरो नहीं मरो वही, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े। जल्दी करो जसोदा, पहुंच तो गए पर क्या करूं, मुझे मेरे भांजे की बहुत याद आ रही है। और हाँ, हथियार भी तो लेने हैं, अब जल्दी करो। आज आया है शेर पकड़ में, अब कहां भागेगा टंटिया। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। जसोदा तू भाग, जसोदा भाग, इन फिरंगियों को तो मैं संभालता हूं, तू भाग जसोदा भाग जल्दी। जसोदा, जसोदा, तूने मेरी जान बचाने में अपनी जान दे दी। तेरी मौत का बदला इन फिरंगियों से मैं जरूर लूंगा, नहीं छोड़ूंगा एक एक को, नहीं छोड़ूंगा। टंटिया, छोड़ना मत इन फिरंगियों को। दुलिया, तुम लोगों ने हमें धोखे से पकड़कर मारा, हिम्मत है तो मुझे आजाद करो, फिर देखो मैं तुमको कैसे खदेड़ता हूं। मेरे दोनों साथी मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन चसोदा, दुलिया, तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाएगा। तीनों को कोई फिरंगी बांध कर नहीं रख सकता, नहीं रख सकता बांध कर। होशियार अंग्रेजों, आज नहीं तो कल मैं हमारा देश छोड़कर जाना ही होगा। तुम्हें हम बाहर निकाल कर दम लेंगे फिरंगियों, एक एक को खदेड़ देंगे, खदेड़ देंगे एक एक को। बला से हम को लटकाए अगर सरकार फांसी से, लटकते आए अक्सर पै करे ईसार फांसी से। लबे दम भी न खोली जालिमों ने हथकड़ी मेरी, तमन्ना थी कि करता मैं लिपट कर प्यार फांसी से। कभी ओ बेखबर तहरीक आजादी भी रुकती है, बड़ा करती है उसकी तेजी रफ्तार फांसी से। यहां तक सर फरोशाने वतन बढ़ जाएंगे कातिल, किलटकाने पड़ेंगे नित तुझे दो चार फांसी से। टंटिया मामा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। टंटिया मामा जिंदाबाद, टूट हो अधर्म काल कूट हो, अमृत का वही कूट हो। ये चलो मरे चलो, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो बड़े।